नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश के धर्मगुरुओं में से इन दिनों सबसे ज्यादा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले नाम में उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम सबसे ऊपर है। महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड की सियासत को सरगर्म कर दिया है। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में भाग लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के रूप में माला पहना दी। कुछ ही घंटों बाद मातोश्री में ठाकरे परिवार के सत्कार से प्रसन्न होकर उनको वापस मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी। साथ ही कुछ ही घंटे बाद दिल्ली के बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर निर्माण का मुखर विरोध किया, जिसके बाद एक के बाद एक बयानों के चलते अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में आ गए और नेताओं ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मातोश्री पहुंचकर शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सब लोग हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म की भावना बताई गई है। सबसे बड़ा पाप विश्वासघात बताया गया है और उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। साथ ही उन्होंने केदारनाथ धाम मंदिर से 228 किलो यानी लगभग 164 करोड़ कीमत का सोना गायब होने की चर्चा छेड़ दी है। कुछ ही घंटों में देश भर में सियासी जगत को कई सारे मुद्दे और सवाल उपलब्ध कराने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच जंग छिड़ गई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बयान भी आने लगे हैं। ट्रेंड में रहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उनका अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह में नहीं जाना फिर से याद किया जाने लगा। इससे पहले भी समय समय पर एक सन्यासी के रूप में उनकी सक्रियता सामने आती रही है। जाहिर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस राजनीतिक बयान की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने निंदा की। कांग्रेस छोड़कर शिंदे सेना में आए संजय निरुपम ने पलटवार किया। अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद से उन्हें लोगों द्वारा काफी ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। बीते समय जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी उनकी बयानबाजी काफी सुर्खियों में आई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।